प्रेसिपिटेशन का तीसरा रूप है सॉलिड, ठोस रूप में वर्षा, और इसको भी सबने झेला है, सर मुड़ाते ओले पड़ना। और सॉलिड में भी कई रूप होते हैं, जैसे कि एक है स्नो, स्नोफॉल। स्नोफॉल अगर आपने देखा हो तो मैदान से किसी पहाड़ पर जाते समय एक आइस की सीट मिलती है, हिम चादर, और उसके ठीक नीचे एक आइस लाइन होती है, हिम रेखा, और हिम रेखा के पास तो वायुमंडल में कुछ न कुछ जलवाष्प होगी ही, और वह 2-3 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पर धीरे धीरे जलवाष्प संघनित होना शुरू हो जाती है। संघनन यहाँ पर हिम रूप में होने लगता है, और वो हिम धीरे धीरे वहाँ पर वायुमंडल में तैरता रहता है। तैरते तैरते जब पहाड़ के साथ में आ जाता है या चट्टानों के संपर्क में, तो उसी पर जम जाता है, वही कहलाता है स्नो। और कभी कभी इसके छोटे छोटे गोले बन जाते हैं और वो सॉफ्ट होते हैं, कड़े नहीं होते हैं, इसको स्नोफॉल कहते हैं। किसी भी माउंटेन पर टॉप के पास ही स्नोफॉल होगा और उसी के ऊपर आइस लाइन होगा। शायद यहाँ पर स्नो और आइस में अंतर आपको स्पष्ट होगा। स्नो फॉल जब होता है तो दो लोग, नवदंपत, वहाँ जा करके खेल खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, हिम क्रीड़ा। स्नो बाल इकट्ठा करके स्नो का बाल बना के एक दूसरे पर फेंकते हैं, अर्थात स्नो सॉफ्ट होती है। लेकिन अगर वही थोड़ा सा और ऊपर जाकर आइस का एक टुकड़ा ले लें और एक दूसरे पर आइस को फेंक दें, तो शायद उनका रेड ब्लड निकल आएगा, तो दोनों नवदंपत कहेंगे ये कहाँ की दुश्मनी। तो आपको स्नो और आइस में अंतर मालूम हो गया, स्नो इज सॉफ्ट, आइस इज हार्ड। लेकिन दोनों के बीच का एक होता है जिसको फर्न कहा जाता है, FERN। तीन तीनों को सीक्वेंस में आप बनाए रखिएगा। अब आइए हम लोग, ये स्नोफॉल हुआ तो स्नोफॉल माउंटेन पर होगा, ऐसी एक चादर जम जाती है और इसी को स्नो लाइन कहते हैं। आइस लाइन तो परमानेंट आइस की होती है जो सॉलिड होती है, लेकिन स्नो लाइन आपकी चेंज होती रहती है। आप बताइए स्नो लाइन क्या कभी ऊपर कभी नीचे जाएगी क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि कोई भी माउंटेन यदि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, जैसे हिमालय को ले लीजिए आप, और यदि सूर्य साउथ हेमिस्फीयर में है, दक्षिण गोलार्ध में वर्टिकल है, तो हिमालय में हिमरेखा नीचे उतर आएगी, अर्थात ज्यादा भाग हिम से ढक जाएगा। लेकिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुआ, नॉर्थवर्ड मूवमेंट किया और कर्क रेखा पर हिमालय के एकदम समीप में आके वर्टिकल चमकने लगा, तापमान बढ़ा, तो हिमालय में आइस लाइन ऊपर हो जाएगी। इस प्रकार आइस लाइन या कह लीजिए कि हिम रेखा ऊपर और नीचे होती रहती है। अगर हिम रेखा ऊपर नीचे होगी तो आइस लाइन में भी कुछ चेंज आएगा। और ग्लोबल वार्मिंग के साथ हम लोग ये पढ़े थे कि इस समय डीग्लेशिएशन हो रहा है, अर्थात हमारी परमानेंट आइस लाइन भी पीछे हट रही है। तो हम लोग प्रेसिपिटेशन में देख रहे थे हेल कैसे होता है, जैसे ये माउंटेनस एरिया में कम होता है, प्लेन एरिया में ज़्यादा होता है। जैसे सूरज वर्टिकल है किसी स्थान पर, वर्टिकल है तो वहाँ का टेम्परेचर हाई होगा और वहाँ से इवेपोरेशन और इवेपोट्रांसपिरेशन तेज होगा और ये कन्वेक्शनल करंट उठेंगे, संवहन तरंगों के साथ यहाँ की जलवाष्प भी ऊपर जाएगी। जलवाष्प ऊपर जाएगी तो धीमे धीमे नहीं जाएगी, अगर धीमे धीमे जाती तो शायद उसका ड्यू बनता
और उसका फाग बनता है, वो अपेक्षाकृत तेज जाएगी। तेज जाएगी तो मिडिल लेयर पर आते आते जहाँ पर रेनफॉल स्टार्ट होता है वहाँ पर कुछ संघनन हो जाएगा और जल की छोटी छोटी बूंदें बन जाएंगी। बूंदें बनकर वो अपनी यात्रा प्रारंभ कर देंगी, धरती की तरफ चल पड़ेंगी ताकि बारिश होना शुरू हो जाए। लेकिन जो जलवाष्प बहुत तीव्र गति से कन्वेक्शनल करंट के साथ ऊपरी स्तर में पहुंच गई, ज़्यादा ऊंचाई पर जहाँ पर कि आइस लाइन हो, तो वहाँ पर वो जलवाष्प तीव्र गति से संघनित होगी थर्ड लेवल, और तीव्र गति से संघनन होगा तो वहाँ पर जलवाष्प सीधे बन जाएगी जल कण नहीं हिम कण, या हिम कण भी नहीं आइस बाल। यही तो है हेल, यही तो है ओला, और यही तो पड़ेगा। जैसे ही कोई सर मुड़ा के निकला है ये पड़ने के लिए तैयार, पड़ हो जाएगा उसी के सर पर। चल पड़ा ये भी मम्मी के पास, धरती माता के पास। और पहले यहाँ पे बताइए कि पहले जल की बूंदें चली थीं कि पहले ओला, पाला नहीं है ओला है, पहले जल की बूंदें चली थी। और पहले पहुंचना किसको चाहिए? जो पहले चला, जिसकी यात्रा कम है उसी को पहले पहुंचना चाहिए। लेकिन क्या ओला पड़ा है लड़कपन में कभी आपने देखा है? इकट्ठा किए होंगे, पहले ये ओले पड़ते हैं, हमको तो उल्टा लग रहा है। ओले कैसे पड़ेंगे? पहले तो जल कण आना चाहिए क्योंकि पास में है ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ओले पहले पड़ेंगे क्योंकि भारी होते हैं। हमको तो नहीं लगता भारी होते हैं, हमको तो लगता है कि जल की डेंसिटी और ओला या बर्फ की डेंसिटी में अंतर होता है। बताइए किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जल की या बर्फ की? जल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, बर्फ की कम होती है। जब बर्फ की डेंसिटी कम होगी, वेट कम होगा, तो कैसे पहले गिरेगा? सोचने की बात है, लेकिन इसका उत्तर अस्पष्ट होगा। जल की बूंदें नीचे चली और वायुमंडल में कहीं हवा चल रही है और डेंसिटी भी ज्यादा है गैसों की, धूल कणों की, तो यहां इस जल की बूंद के लिए वायुमंडल का फ्रिक्शन, घर्षण ज्यादा काम करेगा, इसको बहुत झेलते हुए आना पड़ेगा। लिक्विड है ना, तरल है, सरल है, सरल लोगों को इस पृथ्वी पर बहुत झेलना पड़ता है, लेकिन कड़े लोगों को जरा देखिए। और ये चला यहां से, अब ये जो है ज्यादा स्पीड से चलेगा, किसी की सुनेगा नहीं, वो अपने मन का कर रहा है, कोई डेंसिटी नहीं मानेगा, कोई फ्रिक्शन नहीं मानेगा। इसलिए पहले ओला, सर मुड़ा कर चलने वाले के सिर पर पहले पड़पड़ कि पहले छक छक? पहले पड़पड़ होगा, बेचारा भागा घर के अंदर, उसके बाद कहेगा क्यों भागे, अब थोड़ा धुलाई कर देते हैं, छक छक। लास्ट में क्या होगा कि पड़पड़ छक छक, मतलब हेल और ए रेन जब दोनों एक साथ हो जाएंगी तो उसका नाम ही बदल दिया जाता है स्लीट, उसका नाम स्लीट कर दिया जाता है। हेल मतलब सॉलिड और लिक्विड आपने अनुभव किया होगा एक साथ की, स्लीट। बाकी आपका एविरिगा और ये आपका ग्लेज और ये फ्रॉस्ट, ये तीनों रेन के टाइप हैं ही नहीं, ये तीनों अलग चीज हैं, लेकिन है इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसलिए इनको भी समझ लेना जरूरी है। विरगा की जानकारी जरूरी है कि होता क्या है कि हमारे हॉट डेजर्ट्स हैं कुछ, उष्ण मरुस्थल हैं, कभी कभी समुद्र से जलवाष्प उष्ण मरुस्थल के ऊपर पहुंच जाती है, कौन ले जाएगा? हवा। और उष्ण मरुस्थल के बहुत ऊपर संघनन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा तो बूंदें चल पड़ेंगी, बूंदें चल पड़ेंगी ऊपर से, तो सतह पर आते आते
इतनी ज़्यादा गर्मी रहेगी कि धरती पर पहुँचने के पहले ही वह बूंदें वाष्पीकृत होकर वापस हो जाएंगी। हो गया विरगा, यह है प्रकृति का नियम। प्रकृति का गजब का नियम है कि धरती पर पहुंचने के पहले ही वापस, ये फेनोमेना विरगा कहलाता है। इसी प्रकृति को तो मानव ने भी सीख लिया ना, ऊपर से आने वाले किसी को हम कहते हैं कि नहीं यहाँ तुमको आने की जरूरत नहीं है, तुम लड़की हो क्या, नहीं हमको नहीं चाहिए। विरगा क्या है, न्याय है क्या? नहीं, आने देना चाहिए सबको। और इसीलिए तो इसको पृथ्वी पर मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक क्या हमारे ऋषि मुनि मनीषी निराशावादी थे? जन्मलोक कहना चाहिए था, क्योंकि जन्म यहाँ लेते हैं, पॉजिटिव आइडिया होना चाहिए। मृत्युलोक क्यों मृत्युलोक कहा गया, क्यों नहीं जन्मलोक? इसलिए कि मृत्यु निश्चित है, जन्म निश्चित नहीं है। मृत्यु उसकी निश्चित है जो जन्म लिया है, लेकिन मृत्यु उसकी भी निश्चित है जो अजन्मा है। अजन्मों की भी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मृत्यु का डबल रोल है। इसीलिए उन्होंने अच्छे मनन चिंतन के बाद इसको मृत्युलोक कहा। सीखा कहां से? विरगा से। विरगा वो ड्रॉपलेट है जो बिना धरती को स्पर्श किए इवेपोरेट हो जाती है, हाई टेम्परेचर कारण। ग्लेज क्या है? ग्लेज भी एक अनोखा फेनोमेना वायुमंडल का है। वायुमंडल में यहाँ से जलवाष्प चली संवहन तरंग से, और यहाँ पर जलवाष्प ओला बन जाएगी, हेल बन जाएगी, लेकिन और निचले भाग में बूंद बनेगी। बूंद भी कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ठंडी ठंडी बूंद बन जाएगी, और वो बूंद नीचे गिरेगी। और आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके पीठ पर बूंद गिरी पट से, और बूंद गिरी तो वो बहुत ठंडी बूंद है। ठंडी बूंद है तो ठंडी बूंद के कारण आप एकदम चौंक गए, कहीं तो ओला जैसा गिरा, लेकिन ठंडी बूंद है। और वो क्यों ओला नहीं बन गई, वो क्यों बर्फ का गोला नहीं बन गई? क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस था। और कभी कभी तो ये बूंद 5 डिग्री सेल्सियस ना हो करके -10 डिग्री सेल्सियस की गिर जाती है। यहाँ से -10 डिग्री सेल्सियस की बूंद अगर गिरेगी तो आप और चौंक जाएंगे, कहेंगे बाप रे बाप, ये तो -10 शून्य हो गई हमारी शरीर, उससे अच्छा तो गोला गिर जाता बर्फ का। लेकिन -10 या -20 डिग्री सेल्सियस पर बूंद कैसे गिरी, ये एक प्रश्न है। उसको तो बर्फ का टुकड़ा बन जाना चाहिए था, लेकिन होता है प्रकृति में। इसको सबलिमेशन कहते हैं, एक शब्द सबलिमेशन है, जिसमें जलवाष्प डायरेक्ट आइस बन जाती है। लेकिन सबलिमेशन का एक रूप है आइस डायरेक्ट वेपर बन जाती है, सबलिमेशन, जिसको आप सीखेंगे आगे। तो यहां सबलिमेशन की क्रिया के कारण वो चीज आ गई। ये वाटर वेपर कैसे डायरेक्ट आइस बन गई, ये सबलिमेशन होता है। इस तरह से सबलिमेशन का परिणाम होता है कि वो कंडेंस नहीं होने पाती। कंडेंसेशन के बाद, वो कंडेंसेशन के बाद भी वो आइस नहीं बन पाती जलवाष्प। कंडेंसेशन होता है, आइस बाल नहीं बन पाता है, उसी रूप में गिर पड़ती है। ये नेचर को देखिए, अजीबो गरीब लेसन शिक्षा आपको दे रहा है। हमारे मानव जीवन भी होता है, हमारे मानव जीवन में भी, जैसे आप चाहें कि हम दूध को दही बना दें, वाटर वेपर को हम कंडेंस करके सॉलिड बना दें, और आपने दूध को गर्म करके थोड़ा ठंडा करके जामुन डाल दिया और कहा सुबह तुम दही बन जाना, तुमको हम इंडिया गेट पर
جلیبی کے ساتھ سواگت کریں گے۔ رات میں آپ ہر دو دو گھنٹے پہ جا کے چمچ سے اس کو پوچھ رہے ہیں، ہاں دودھ بھائی کام چل رہا ہے، دہی بن رہے ہو؟ وہ کہے گا جاؤ یار اپنا پڑھو لکھو، کیا ہم کو حیران کر رہا۔ تین چار بار وزٹ کیا اس کو آپ نے، صبح پہنچ گئے، ہاں دودھ بھیا دہی بن گئے، تو کیا کہے گا؟ ساری رات تم کو نیند نہیں لگی، دماغ دہی جلیبی پہ لگا تھا، ہم کو ڈسٹرب کرتے رہے، کام نہیں کرنے دیے ہم کو، لو دودھ پی لو۔ ارتھات کسی کو آپ اگر ڈسٹرب کرتے رہیں گے تو وہ اپنے لکشیہ کو نہیں پراپت ہو پائے گا، اس کو چھوڑ دیجیے آپ۔ یہاں یہی ہو رہا ہے، یہاں سے سموہن ترنگوں سے جو جلواشپ اٹھی اس کو اگر شانت تھوڑی دیر چھوڑ دیتے تو سنگھنن ہوتا، آئس بال بن جاتا، ہاتھ میں لینے لائق ہو جاتا۔ لیکن یہاں پر ایٹماسفیرک یا اپر ایٹماسفیرک ڈسٹربنس اتنی زیادہ ہے کہ یہ کنڈنس ہو ہی نہیں پایا، اور یہ سالڈ نہ ہو کر کے یہ لکوڈ فارم میں رہ گیا۔ ایسے ہی آپ کے جیون میں اور بھی تمام جگہ گھٹنائیں ہوتی ہیں، آپ پڑھائی کر رہے ہیں، ماما جی آ گئے، کہے بیٹا یہ لڑکی کی فوٹو ذرا دیکھو، ٹھیک ہے شادی کے لیے آیا تھا۔ اب آپ کا من تو پڑھائی میں لگے گا نہیں، وہ تو پلیٹ ٹیکٹانک پڑھتے سمے لڑکی کی سین گھوم گئی۔ پھوپھا جی آ گئے چار دن بعد، بیٹا یہ لڑکی ذرا دیکھو، ٹھیک ہے اب آپ کا تو انڈین مانسون کی اوریجن بھی چلی گئی۔ تو کل ملا کر آپ ڈسٹرب ہوتے رہے، کنڈنسیشن ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا۔ آپ آئی ایس بن پائیں گے؟ نہیں بن پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایٹماسفیرک ڈسٹربنس تو یہاں نہیں کرنے دے رہا ہے، یہ سوشل ڈسٹربنس ہے، اور آپ کو تپسیا نہیں کرنے دے رہا ہے، تو کہاں آپ بڑھیا سا گولا بنیں گے، کون آپ کی پوجا کرے گا؟ اس لیے یہ ہمارے ایٹماسفیرک ڈسٹربنس کے کارن یہ ہو رہا ہے، اور سوشل ڈسٹربنس کے کارن آپ نہیں اس لکشیہ کو پراپت کر پاتے ہیں۔ اور اس طرح سے یہ رہا گلیج، رین کا ایک ایسا روپ ہے جو اتی شیتل بوندیں گرتی ہیں، جو کہ مائنس میں ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ اور ایک ہے آپ کا ہے فراسٹ، پالا۔ پالا کیا پڑتا ہے؟ بوندیں پڑتی ہیں، اولا پڑتا ہے، اوس پڑتی ہے، پالا پڑتا نہیں ہے۔ پالا پڑنا، پالا کوئی ایسی چیز نہیں کہ جھاپڑ پڑ گیا، بوند پڑ گئی۔ پالا ایک ایسا فینامینا ہے ہمارے ایٹماسفیئر کا کہ ہمارے سرفیس کا ٹیمپریچر شونیہ کے آس پاس ہو جاتا ہے، دو تین ڈگری سیلسیس کے آس پاس ہو جاتا ہے۔ پرنام کیا ہوتا ہے کہ پالا پڑنے سے پیڑ کی پتیوں میں واٹر کا سرکولیشن بند ہو جاتا ہے، بند ہو جائے گا تو پتیاں پیلی پڑ جائیں گی، اسپیشلی سافٹ کراپس، آلو، مٹر، ٹماٹر، یہ فصلیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ کس سیزن میں؟ جاڑے میں۔ کون فصل؟ ربی۔ کیوں؟ جب پشچم سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں تو گراؤنڈ کے ٹیمپریچر کو لو کر دیتی ہیں، فصل نشٹ ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسان کو پتہ لگ جائے، وہ کنویں کے ساپیکچھک گرم پانی کو لا کے سینچائی کر دے، تو وہ پالا سے فصل نہیں پربھاوت ہوگی۔ وگیان میں جل کی تین اوستھائیں ہوتی ہیں، سالڈ، لکوڈ، گیس۔ اور جلوائے وگیان میں بھی یہ تینوں اوستھائیں ملتی ہیں، لیکن تین استر پر۔ پرتھوی کی سطح کے پاس گیسیس اسٹیٹ میں جلواش ملتی ہے، اس کے اوپر جانے پر لکوڈ بوندوں کے روپ میں، اور بہت اوپر جانے پر سالڈ۔ ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ جب سموہن ترنگوں کے دوارا جلواش گیسیس اسٹیٹ کی اچانک تیبر گت سے اوپر اٹھتی ہے، اوپر وہ مائنس میں ٹیمپریچر جانے پر ٹھوس بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی وہاں پر کموشن یا وکشوب ہوتے رہنے کے کارن وہ ٹھوس نہ بن کر کے گلیج بن جاتی ہے۔ اور وگیان میں بھی سالڈ میں اگر انرجی ڈال دیا جائے برف میں تو لکوڈ بن جاتی ہے، لکوڈ میں پنہ انرجی ڈال دیا جائے
तो वो इवेपोरेशन के द्वारा गैस बन जाती है। अगर गैस से एनर्जी निकाल लिया जाए तो कंडेंसेशन से वो लिक्विड बन जाता है जल, और अगर जल से पुनः एनर्जी निकाल लिया जाए तो फ्रीजिंग विधि द्वारा वो ठोस बन जाता है। लेकिन सॉलिड कैसे गैस बनता है और गैस कैसे सॉलिड बनती है, इसको आप विज्ञान में कपूर का उदाहरण देते हैं, लेकिन जलवायु विज्ञान में यह कपूर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से घटना होती है। कैसे? जब जलवाष्प अचानक वायुमंडल में उठती है और हिम रेखा के ऊपर चली जाती है तो वही जलवाष्प बिना जल बने अचानक ठोस बन जाती है, और ठोस बर्फ अचानक बिना पिघल कर जल बने वाष्प भी बन जाती है। इसका उदाहरण पृथ्वी पर ही मिलता है, जैसे उच्च अक्षांशों में, जैसे कटमई ज्वालामुखी के क्षेत्र में, आइसलैंड के क्षेत्र में, जहां पर की बर्फ की मोटी चादर या परत होती है, वहां अगर वोल्केनिक इरप्शन होता है ज्वालामुखी के उद्गार, तो बर्फ तरल रूप में न होकर के सीधे वाष्पीकृत हो जाती है। इस तरह से सब्लिमेशन एक तो विज्ञान की लेबोरेटरी में किया जाता है, लेकिन हमारे जलवायु विज्ञान की लेबोरेटरी बहुत बड़ी है, धरती की बर्फ से और आकाश की बर्फ के बीच में यह क्रियाएं होती रहती हैं।